बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड CS60221 है, इसकी GDP नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी ओपनिंग डेट 18 अगस्त 2020 यानी आज है और क्लोजिंग डेट 19 अगस्त 2020 है। तो आपने GDP को अटेम्प्ट करने से पहले ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो आपको दी जाती है इसको लाजमी रीड आउट किया करें। आपने इन इंस्ट्रक्शन के फ्रेम में रहते हुए अपने GDP का सॉल्यूशन देना होता है। तो मैंने ऊपर जो इम्पोर्टेंट थी मेरे हवाले से वो मैंने ऊपर लिखी है कि यानी आपका जो लेंथ ऑफ द आंसर है इस GDP का वो 4 to 5 लाइन्स होना चाहिए, इससे आपने बियॉन्ड नहीं जाना। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो वेरी क्या कह सकते हैं कोहेरेंट और टू द पॉइंट है। अगर आप इससे ज़्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव या मार्किंग का बायस बनेंगे या आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट GDP सिनेरियो की तरफ जाते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। GDP सिनेरियो क्या है? अ मेडिकल डिपार्टमेंट इन चाइना नीड्स टू रिलीज अ रिपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर नोवल कोरोना COVID-19 वायरस। कह रहे हैं कि एक चाइना में एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसने हंगामी बुनियादों पर यानी फौरी तौर पर एक नोवल कोरोना COVID-19 वायरस पर एक रिपोर्ट रिलीज करनी है। They need to render the virus structure for the presentation during pandemic. उन्होंने virus structure को पेश करना है during pandemic presentation के दौरान। Discuss which technique will be most suitable among rasterization, ray tracing and radiosity for the scenario, keeping in view the suitable level of details and time constraint. आपने उस सिनेरियो को अपने माइंड में रखते हुए बेहतरीन या मुनासिब तरीन रेंडरिंग टेक्निक का इंतखाब करना है, रास्टराइजेशन, रे ट्रेसिंग और रेडियोसिटी में से जो आपको दो कंडीशंस जो दी गई हैं उसको फुलफिल करें या उसको क्वालिफाई करें। कौन कौन सी? लेवल ऑफ डिटेल एंड टाइम कंस्ट्रेंट। मुझे कुछ यहाँ डाउट था टाइम कंस्ट्रेंट पे, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि आप कोई अगर आपकी ओपिनियन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकें ताकि सबका भला हो। ये टाइम के जो एलिमेंट है मैं इसकी जो कंस्ट्रेंट है और यह सब्जेक्शन है वो इस कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ कि उसके रेंडरिंग में यानी वो कितनी फास्ट रेंडर होगा, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा रेंडरिंग में, ना कि वो टाइम जो उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो मैं इस बेस पे इस सॉल्यूशन को डिलीवर कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कीपिंग इन व्यू द गिवन सिनेरियो विद टू कंसिस्टेंट लेवल ऑफ डिटेल्स एंड टाइम। कहते हैं दिए हुए सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए दो कंसिस्टेंट के साथ यानी लेवल ऑफ डिटेल एंड टाइम। आई विल गो विद रास्टराइजेशन टेक्निक फॉर रेंडरिंग। मैं जो रेंडरिंग रास्टराइजेशन टेक्निक है उसके साथ जाऊंगा बिकॉज इट क्वालिफाइज बोथ द मेंशन कंस्ट्रेंट एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि वो जो बयान किए गए कंस्ट्रेंट है उनको क्वालिफाई करते हैं ऑप्टिमम लेवल पे। अगर आप दोनों कंस्ट्रेंट को तीनों कैटेगरीज में देखेंगे तो कोई भी चीज़ 100% फिट नहीं होती। तो हमें वैसी जो कंस्ट्रेंट दी गई हैं, हमें जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं दो एलिमेंट्स की, लेवल ऑफ डिटेल और कंस्ट्रेंट, हमने उसी पर देखना है कि इन दो कंस्ट्रेंट पर कौन सी कैटेगरी क्वालिफाई करती है बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से रास्टराइजेशन है। अब नेक्स्ट तरफ जाते हैं। रास्टराइजेशन इज फास्टर यानी ये टाइम के हवाले से एज इट इग्नोर द इररिलेवेंट पोर्शन ऑफ द इमेजेस। अब हम डिटेल की बात करें जो इमेजेस में इररिलेवेंट डिटेल होती है वो उसको इग्नोर कर देता है एंड दैट रिड्यूसेस द रिडंडेंट वर्क, जो कि जो फालतू वर्क है वो उसको कम कर देते हैं। यानी जो मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है इमेजेस की
उस पे फोकस करता है जो उसके इर्द गिर्द फालतू एरिया होता है, जैसे कि पिक्सल बाय पिक्सल में वो हर एक पिक्सल को कवर अप करता है रे ट्रेसिंग में, वो ये नहीं करता। यानी इस वजह से उसकी जो टाइम स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और जो रिडंडेंट वर्क होता है वो भी खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फर्दर इट कैन इम्प्रूव कैचियर कोहेरेंसी को भी ये इम्प्रूव कर सकता है। इट इज़ गुड चॉइस व्हेन इंटरैक्टिव रेंडरिंग इज रिक्वायर्ड। ये इम्पोर्टेंट, इंटरैक्टिव रेंडरिंग यानी कि कितनी तेजी के साथ वो आप उसको रेंडर करते हैं, कितना टाइम हो लेता है। तो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, टाइम का था। तो मेरी समझ के मुताबिक, मेरी परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंटरैक्टिव रेंडरिंग टाइम के फैक्टर को कवर अप करती है यहाँ। और जब आपको टाइम जो रेंडरिंग है टाइम ज़्यादा फास्ट चाहिए और जल्दी चाहिए तो ये रास्टराइजेशन इज अ गुड ऑप्शन। तो मेरी जो तीसरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन थी या कंस्ट्रेंट थी 4 to 5 lines वाली, तो आप देख सकते हैं कि मेरी इन बिटवीन 4 and 5 lines है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम है या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो ज़रूर वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि एक डिबेट हो सके और सब लोगों का भला हो सके, सबके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो ओपन डिबेट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।